श्रद्धांजलि। सबसे पहले है उसके हम जो जो बेस्ट 75 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की जिनकी डेथ हो गई, ओबिचुअरी मतलब ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि। सबसे पहले सुनंदा पटनायक। सुनंदा पटनायक ओडिशा की क्लासिकल सिंगर थी, ये ओडिया म्यूजिक गाती थी, सो शी वाज अ क्लासिकल सिंगर फ्रॉम ओडिशा। WWE के रेसलर थे रॉकी जॉनसन, जिन्हें हम द रॉक बोलते हैं, उनके फादर थे ये, ड्वाइन जॉनसन के फादर थे रॉकी जॉनसन, इनकी डेथ हो गई। बापू नाडकर्णी इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी थे और ऑलराउंडर थे, स्पिन बॉलर थे, और इन्होंने 21 ओवर लगातार मेडन फेंके थे, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि टेस्ट मैच में 21 ओवर लगातार मेडन फेंकना। खगेंद्र थापा मगर ये सबसे छोटे व्यक्ति थे दुनिया के कद में, तो इनकी डेथ भी हो गई, ये नेपाल से थे। ओडिया फिल्म मेकर, ओडिया फिल्में बनाते थे मनमोहन मोहपात्रा, इनकी डेथ हो गई। इन्हें 8 नेशनल अवार्ड मिले थे, वो भी एक साथ, हर साल 8 साल लगातार नेशनल अवार्ड इन्हें मिले थे। पुर्तगाल के मोटरसाइकिलिस्ट थे पोलो गोंजालवेज, इनकी डेथ हो गई क्योंकि इनकी जो बाइक है वो क्रैश हो गई थी साउथ अरेबिया में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक डेडलाइन दी है और वो डेडलाइन ये है कि जो टॉप 500 कंपनीज इंडिया की, उनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के जो रोल्स हैं वो सेपरेट करने होंगे, यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में क्या काम करेगा ये अलग एक पूरा लिख के बताना पड़ेगा। इसके लिए डेडलाइन कब तक दी है? पहले डेडलाइन थी 1 अप्रैल 2020, नई डेडलाइन है 1 अप्रैल 2022। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? पहले विरल आचार्य ने रिजाइन कर दिया था जून 2019 में, तब से ये पोजीशन वैकेंट थी, इसको भरा है माइकल पात्रा ने। सो माइकल पात्रा है डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक बने हैं माइकल पात्रा। किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है स्वच्छता दर्पण अवार्ड? स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है तेलंगाना के पेड़ापल्ली जिले को, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ये नंबर 1 था, यानी ये भारत का सबसे साफ जिला है ग्रामीण पेड़ापल्ली, और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कौन सा राज्य था नंबर 1? तमिलनाडु। रॉबर्ट अबेला ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बन गए? रॉबर्ट अबेला बने हैं अभी अभी प्रधानमंत्री माल्टा के, माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, लेबर पार्टी के हैं। तेलंगाना का एक जिला और याद रखिए, कामारेड्डी, कामारेड्डी जिला, क्यों? क्योंकि कामारेड्डी जो जिला है ये यूनिसेफ 2019 पुरस्कार का विजेता है, इसको मिला है स्वच्छता अभियान जिसे बोलते हैं स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत को लागू करने के लिए कामारेड्डी जिले को यूनिसेफ 2019 प्राइज मिला है। तो तेलंगाना के दोनों जिले काफी न्यूज में थे। सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन बना है, यानी डायरेक्टर जनरल, यानी चीफ, सबसे ऊंची पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ में, ये बने हैं एपी महेश्वरी, एपी महेश्वरी। पहली वुमेन परेड एडजुटेंट कौन बनेंगी रिपब्लिक डे परेड पर, यानी पहली इंडिया की महिला, पहली इंडिया की वुमेन जो एक महिलाओं की टुकड़ी का नेतृत्व करेगी, वुमेन कंटिजेंट को लीड करेगी, इनका नाम है तानिया शेरगिल, कैप्टन तानिया शेरगिल। और आपको बता दूं पिछले रिपब्लिक डे पर यानी 2019 में एक पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व किया था पहली बार भावना कस्तूरी ने, भावना कस्तूरी ये पहली वुमेन थी जिन्होंने लीड किया था मेल कंटिजेंट को, और तानिया शेरगिल जो है लीड करेंगी वुमेन कंटिजेंट को। सहयोग काइजन एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड करते हैं कौन से दो कंट्री के? एक तो है इंडिया, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड, और दूसरा है जापान। ये कहां पे हुई? ये हुई चेन्नई में, और जापान का जो शिप आया था इसमें उसका नाम है एकीगो, ECHIGO, एकीगो, और इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ हैं के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ हैं। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 जनवरी के दिन KM करियप्पा, ये पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, ठीक है, तो KM करियप्पा 15 जनवरी को बने थे, तो ये होता है आर्मी डे, और ये रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1953 को, तो ये वाला दिन होता है आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, तो आंसर है 14 जनवरी। और आपको बता दूं ये दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे आर्मी में जो लोग काम कर चुके हैं उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए, उन्होंने इतना अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर पे बिताई, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी उसको याद करने के लिए हम मनाते हैं आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने अभी अभी इनॉग्रेशन किया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु, जो शास्त्रीय भाषा है तेलुगु उसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया। ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में बनाया? ये बनाया नेल्लोर में, और नेल्लोर वही जिला है जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा नेल्लोर यहाँ पे। और याद रखिए भारत में इंडियन लैंग्वेजेस जो है उनको स्टडी करने के लिए एक जो मेन इंस्टीट्यूट है उसको बोलते हैं CIIL, और ये मैसूरु में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये है मैसूरु में। DHFL जनरल इंश्योरेंस को किसने खरीदा है? DHFL जनरल इंश्योरेंस को खरीदा है नावी टेक्नोलॉजीज कंपनी ने, और ये कंपनी है सचिन बंसल की, तो आंसर है सचिन बंसल। और उन्होंने किससे खरीदा है? इन्होंने खरीदा है ये कपिल वधावन से, कपिल वधावन ये वधावन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर है, तो कपिल वधावन से खरीदी है सचिन बंसल ने DHFL जनरल इंश्योरेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL। हमारे दो जहाज हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, एनी बेसेंट और अमृत कौर, ये दो जहाज कहाँ पे कमीशन किए गए? ये कोलकाता में किए गए, और कोलकाता में GSRE कंपनी का हेडक्वार्टर है, गार्डन ब्रिज बिल्डर, और एनी बेसेंट ये हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी, और अमृत कौर ये स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, तो इनके नाम पे जहाजों के नाम रखे गए हैं, तो आंसर इसका कोलकाता में कमीशन किए गए। भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 15 जनवरी को? कब बना था ये? 15 जनवरी 1875 को बना था, तो ये इनका 145वां फाउंडेशन डे था, याद रखिए। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन काम करता है। कौन सी कंपनी भारत में $1 अरब का निवेश करेगी, $1 बिलियन अगले 5 सालों में, और ये पैसा यूज होगा भारत में जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको डिजिटल बनाने में, ये कंपनी है अमेजॉन। इन्होंने दो टारगेट और रखे हैं, और वो टारगेट क्या है? पहला 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे इंडिया में इस पैसे से 5 साल में, यानी 2025 तक 1 मिलियन यानी 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेगी, और दूसरा टारगेट ये है कि 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके $10 बिलियन के जो गुड्स हैं जो उत्पाद हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करेगी,
$10 बिलियन। उसके बाद इनका निर्यात करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, तो इससे इंडिया को भी फायदा होगा और अमेजन को भी फायदा होगा। इसके अलावा एक कंपनी और है जो भारत में $1 अरब इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ हैं अजय बांगा। अमित शाह ने अभी अभी जो 6th मीटिंग है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, उसकी अध्यक्षता की। कहां पे हुई थी ये मीटिंग? ये मीटिंग जो है नई दिल्ली में हुई थी, और इसमें यह डिसाइड किया गया कि 26 आइलैंड है भारत में जिनका विकास किया जाएगा। इनमें से 16 हैं अंडमान निकोबार के पास और 10 हैं लक्षद्वीप के पास। तो याद रखिए, 16 अंडमान निकोबार के और 10 लक्षद्वीप के जो आइलैंड हैं इनका विकास किया जाएगा इसमें। उसके बाद अंडमान निकोबार न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे एबरडीन पुलिस स्टेशन है, जो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की कैपिटल है, और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावराती। यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसे बोलते हैं मिनिकॉय। तो अंडमान निकोबार है कहाँ पे? ये बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में, अरेबियन सी में। 8 वंडर्स ऑफ SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 8 अजूबे हैं उनमें कौन सा इंडिया का मॉन्यूमेंट आया है? ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है। इसके वास्तुकार हैं राम वांजी सुतर, आर्किटेक्ट, और ये केवड़िया में है। केवड़िया है नर्मदा जिले में, नर्मदा जिला है गुजरात में। तो आंसर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। SCO में 8 कंट्री मेंबर है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-30। कहां से लॉन्च किया? ये लॉन्च किया कुरु स्पेस सेंटर से। कुरु स्पेस सेंटर है फ्रेंच गिनी में, और रॉकेट जो यूज हुआ है वो है एरियन 5 रॉकेट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये जो सैटेलाइट है इसका वेट कितना है? 3357 kg। और ये जो मिशन है इसकी लाइफ है 15 साल। इन्होंने रिप्लेस करा है इनसैट 4A को रिप्लेस करा है GSAT-30 से। गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो इसको किसने डेवलप किया है? कौन से IIT ने बनाया है? इसको IIT मद्रास ने बनाया है, लेकिन इसको लागू करेगा NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये इंप्लीमेंट करेगा। और IIT मद्रास ने बनाया है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा किलोग्राम खिचड़ी तैयार हुई, इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अभी? ये है हिमाचल प्रदेश। जिस जगह पे बनी वो है ततापनी, और ततापनी है मंडी जिले में। तो यहाँ पे हिमाचल में खिचड़ी तैयार की गई और इसका नाम इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। टोटल 1995 किलो खिचड़ी तैयार की गई। भारत के अमेरिका में उच्चायुक्त कौन बने हैं? हाई कमिश्नर राजदूत कौन बने? इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। अभी तक ये श्रीलंका में एम्बेसडर थे, लेकिन अभी अमेरिका में हो गए हैं, और ये जगह लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला की, क्योंकि हर्षवर्धन श्रृंगला बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव। गूगल ने अभी अभी डूडल बना के सम्मानित किया कैफी आजमी को। तो ये कौन थे? कैफी आजमी का संबंध किस क्षेत्र से था? इनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 14 जनवरी को, तो ये उर्दू कवि थे। तो आंसर है पोएट। भारत का पहला एयरपोर्ट जिसे डेयर मिला है, डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट, यानी अगर कोई विमान है वो खराब हो जाए तो उसके तुरंत रिकवरी के लिए डेयर फैसिलिटी मिली है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है। कौन से मंदिर में जाने के लिए आपको धोती कुर्ता और साड़ी पहनना अनिवार्य होगा? अगर आप पुरुष हैं तो धोती कुर्ता, महिलाएं तो साड़ी, यानी पारंपरिक जो कपड़े हैं। अगर आप गर्भगृह तक जाना चाहते हैं और स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की प्रतिमा को छूना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ धोती कुर्ता या साड़ी में छू सकते हैं। तो ये मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी में है ये मंदिर। और एक बात याद रखिए, पहला मंदिर नहीं है भारत का, इससे पहले भी एक मंदिर है जिसमें ये किया गया था, वो है उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर। तो महाकाल मंदिर उज्जैन, वहां भी किया गया था कि वहां पे आपको परंपरागत कपड़े पहनना आवश्यक है। तो ये उसके बाद दूसरा मंदिर है जहां पे ये किया गया है। भारत जो है वो कौन से देश को 1,00,000 किताबें भेंट कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, 1,00,000 पुस्तकें? तो ये देश है मादागास्कर। हिंद महासागर में है मादागास्कर, इसकी राजधानी है अंताना नारीवो। कौन सा राज्य है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है IUCN के साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिससे ऑर्चिड्स को रेड सूची में डाला जा सके, रेड लिस्ट में डाला जा सके, जिससे इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाया जा सके? ऑर्चिड मिलते हैं भारत में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में, तो आंसर अरुणाचल। इनफैक्ट ऑर्चिड के जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उनको अरुणाचल प्रदेश ने अपने विधानसभा के लोगों में भी डाला है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों में भी यूज किया है। अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट भी बन रहा है होलोंगी एयरपोर्ट, जो ईटानगर के पास है, कैपिटल है ईटानगर, और पेमा खंडू यहाँ के CM है। भारत के किस राज्य ने रोजगार संघी ऐप को लॉन्च करा है? रोजगार संघी युवाओं को रोजगार देगी, तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया। छत्तीसगढ़, यहाँ पे नया जिला भी बना है, गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही जिला। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सुपोषण अभियान भी शुरू किया था, और ये भी कहा था कि जितने भी पंचायत है सब में एक दिव्यांग अनिवार्य होगा, यानी हर पंचायत में एक कम से कम दिव्यांग होना चाहिए। भारत का पहला राज्य है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया है केंद्र सरकार के खिलाफ, वो कौन सा है? ये है केरला। तो ये सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट अब सुप्रीम कोर्ट में देखी जाएगी। चाइना ने एक 500 मीटर यानी हाफ अ किलोमीटर के डायमीटर वाला एक टेलीस्कोप लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है FAST 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, और ये इन्होंने लगाया है गुयांग सिटी में, GUIYANG। गुयांग सिटी कैपिटल है गिजो की, GUIZHOU, गुइजो। कौन सा बैंक है जो असम को लोन देगा $88 मिलियन का, उनके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए? और असम में ब्रह्मपुत्र नदी है जिसमें प्रोजेक्ट बन रहे हैं सारे इनलैंड वाटर वाले। एक आइलैंड है माजुली, जो सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे एशिया का रिवर के ऊपर, जो किसी रिवर के ऊपर है, और ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है माजुली, इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। तो बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक दे रहा है असम को लोन इस असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये वही 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, संविधान की 8वीं सूची में, ये मिला है वासुदेव मोही को इनकी किताब चेकबुक के लिए। किताब का नाम है चेकबुक, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? सिंधी, ये सिंधी भाषा में लिखते हैं। सरस्वती सम्मान मिलता है 22 भाषाओं के लिए, और साहित्य अकेडमी सम्मान मिलता है 24 भाषाओं के लिए।
नई गाइडलाइंस आई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। इसके हिसाब से कोई भी पेट्रोल पंप अगर स्कूल, हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल एरिया के पास है तो इतने मीटर दूरी पर होना चाहिए। तो याद रखिए, कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए स्कूल, हॉस्पिटल या रेजिडेंशियल एरिया के अगर वो पास है तो। कौन सी कंपनी ने एज ब्राउजर लॉन्च किया है? जैसे क्रोम है गूगल का, एज ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। कृषि मंथन कहाँ पे आयोजित किया गया? कृषि मंथन का ऑर्गेनाइज कराया वो कराया आईएमए अहमदाबाद ने, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। क्वींस काउंसिल यानी जो इंग्लैंड की रानी है उनके पर्सनल वकील कौन बने अभी? तो उनके जो वकीलों का पूरा एक समूह है उसमें जगह मिली है हरीश सालवे को, हरीश सालवे। इंडियन आर्मी उन्होंने अभी अभी अपनी सबसे बड़ी एयरबोन एक्सरसाइज करी है, इसका नाम क्या है? इसमें 500 से ज्यादा ट्रूप्स ने हिस्सा लिया है, इसका नाम है विंग्ड रेडर। और ये हुई कहां पे? ये हुई नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में, नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर। इसके अलावा एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है मिलन, ये हो रही है विशाखापट्टनम में, इसका थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो आईसीसी की वनडे और टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर के कैप्टन बने? ये हैं विराट कोहली। आईसीसी की वनडे टीम ऑफ द ईयर और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर दोनों के कैप्टन बने विराट कोहली। और आईसीसी के सारे अवार्ड आपको याद रखने क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। सर, गारफील्ड सॉबर ट्रॉफी ये मिलती है बेस्ट खिलाड़ी को, बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है साल का, ये है बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, गारफील्ड सॉबर वेस्ट इंडीज के बैट्समैन थे। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा इंडिया के। टी20 साल का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा दीपक चहर का, इन्होंने 6 विकेट लिए 7 रन देकर बांग्लादेश के खिलाफ। उभरते सबसे अच्छे खिलाड़ी पुरुषों में है मार्नस लाबोश ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड खेल भावना सम्मान मिला विराट कोहली को, क्योंकि स्टीव स्मिथ के खिलाफ जब लोग उनको चिढ़ा रहे थे तो उन्होंने रोका लोगों को। और डेविड शेपर्ड ट्रॉफी एम्पायर ऑफ द ईयर रहे रिचर्ड इलिंगवर्थ। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं में उभरती खिलाड़ी हैं सबसे अच्छी चनिडा सुथिरांग, ये थाईलैंड की हैं। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं एलाइसा हीली। बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी ओवरऑल रही एलाइस पेरी और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही एलाइस पेरी। तो एलाइस पेरी और एलाइसा हीली में कंफ्यूज नहीं होना, ये सब ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। और एलाइस पेरी जो पिछले 10 साल के बेस्ट 5 खिलाड़ी हैं उनमें भी रही थी एलाइस पेरी, और एबी डी विलियर, डेल स्टाइन, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। राजनाथ सिंह इन्होंने कौन से नंबर की K9 वज्र तोप देश को समर्पित करी? ये 51वीं तोप है K9 वज्र। ये तोप बनाई जाती है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा, और ये तोप बनती है हजीरा नाम की जगह पे जो सूरत के पास है गुजरात में, हजीरा। अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने लता मंगेशकर का सम्मान किसे दिया 2018 के लिए? 2018 और 2017 के लिए दोनों के लिए अभी मिला है। 2017 के लिए मिला है जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर, उन्हें सुमन कल्याणपुर को मिला है 2017 के लिए। और 2018 के लिए मिला है ये कुलदीप सिंह को, म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह। कौन सा कंट्री है जो भारत के जो टूरिस्ट हैं उन्हें ई वीजा देगा? ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ई वीजा देगा इंडियन टूरिस्ट को। दूसरा, तेजस एक्सप्रेस ये मुंबई तक गया, ये ट्रेन चली। तो कहां से चली ये ट्रेन? चली अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल। इसको हरी झंडी दिखाई थी विजय रूपानी ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने, और आईआरसीटीसी इसको रन करेगा। पहली आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से लखनऊ। अभी अभी किसको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला है? ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये मिला है किरण मजुमदार शॉ को, ये बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है किरण मजुमदार शॉ। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आईसीएमआर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। भारत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा कौन से कंट्री से? ये हम खरीदेंगे रशिया से। रशिया से हमने हेलीकॉप्टर भी खरीदे थे जिनका नाम है कमोव। रोम रैंकिंग सीरीज पहलवानी प्रतियोगिता हुई, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? वुमेन्स 53 किलोग्राम कैटेगरी में। तो भारत को एक गोल्ड एक सिल्वर मिला है, महिलाओं में गोल्ड मिला है विनेश फोगाट को, तो आंसर है विनेश फोगाट, और अंशु मलिक को मिला है सिल्वर मेडल। अगर हम मेंस की बात करें तो 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, एक मिला है बजरंग पुनिया को और दूसरा मिला है रवि दहिया को, बजरंग पुनिया एंड रवि दहिया। पहली बार भारत के समुद्री इतिहास में कौन सा पोर्ट है जिसकी झांकी दिखाई जाएगी रिपब्लिक डे परेड पर? टैबलो। तो यह है कोलकाता पोर्ट, जिसको अभी अभी 150 साल पूरे हुए हैं, और इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया है। चेनानी नशी सुरंग का नाम भी अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया है, और रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग हो गया है। एक बात याद रखिए, एक और पोर्ट आपको याद रखना है, कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, इसको 75% खरीद लिया है अदानी ने। कौन सी कंपनी है जिसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ द मोस्ट यूएस पेटेंट ग्रांटेड? सबसे ज्यादा यूएस पेटेंट अमेरिकी कंपनी को किसको मिले? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पता चलता है कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंपनी है, ये है आईबीएम। आईबीएम ये किताब किसने लिखी है? द विनिंग सिक्सर। इसको लिखा है भारत के बैट्समैन डब्ल्यू वी रमन ने, पहले क्रिकेट खेलते थे, द विनिंग सिक्स। भारत के किस राज्य में स्वस्थ सखी प्रोजेक्ट शुरू है? इसमें सरकार डायग्नोस्टिक किट देगी हेल्थ वर्कर्स को, और वो डोर टू डोर जाके लोगों का डायग्नोसिस करेंगे उस किट की हेल्प से। तो स्वस्थ सखी प्रोजेक्ट गोवा की सरकार ने शुरू कराया, और एक यशस्विनी स्कीम भी गोवा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, यशस्विनी स्कीम। इसको इनॉग्रेट किया था स्कीम को स्मृति ईरानी ने, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गृह मंत्रालय त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार ने एग्रीमेंट करा है। कौन से ट्राइब हैं? 34,000 लोग हैं रेफ्यूजी हैं इस ट्राइब के, जिन्हें त्रिपुरा इंटेक करेगा, त्रिपुरा में सेटल हो जाएंगे। ये है ब्रू ट्राइब, इनको रेयांग भी बोलते हैं, ब्रू या रेयांग, ये तो त्रिपुरा में परमानेंट सेटल हो जाएंगे। ओरिजिनली मिजोरम के हैं ये, 1997 में इन्होंने मिजोरम को छोड़ दिया था, उसके बाद ये इधर उधर फैल गए थे, लेकिन अब त्रिपुरा इनको लेने के लिए राजी हो गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के चेयरमैन कौन बने? ये पहले प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव, इनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। मिखाइल मिशुस्टिन ये कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने? इससे पहले थे डिमिट्री मोल्डोवेव, तो ये बने हैं रशिया के नए प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेटअप किया है कहाँ पे? ये बेंगलुरु में सेटअप किया गया है। बेंगलुरु के पास एक जगह है चेलाकेरे, चेलाकेरे ये चित्रदुर्ग जिले में है, यहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया है इसरो ने, ये भी याद रखिए, चेलाकेरे चित्रदुर्ग जिले में है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत बोलते हैं, इसके तहत अगर आपको कोई रेयर डिजीज है तो एक लमसम अमाउंट आपको कितना मिलेगा? याद रखिए, इसका नाम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो आयुष्मान भारत के अधीन एक योजना है राष्ट्रीय आरोग्य निधि,
तो अगर आपको कोई रेयर डिजीज है, दुर्लभ बीमारी, तो 15 लाख रुपए लमसम मिलेंगे आपको एक ही बार में। भारत के किस राज्य ने मनाया चाप चरकुट नाम का त्यौहार? चाप चरकुट मिजो ट्राइब सेलिब्रेट करती है और ये मिजोरम की ट्राइब है, तो आंसर है मिजोरम। इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया ये फेस्टिवल। कितने ग्लोबल थ्रेट्स हैं जो WHO की रिपोर्ट आई है ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस फॉर 2020, उसमें 13 ऐसे थ्रेट हैं, ऐसे खतरे जो पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, तो कितने हैं? तो आंसर है 13 है। सबसे बड़ा खतरा दुनिया के सामने है हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब अगर कोई रोग है आपको लेकिन दवाई उस पर काम नहीं कर रही है, तो उसे बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसके चेयरमैन है टेड्रोस अधानोम जो इथियोपिया के। नेशनल वाटर पॉलिसी को जो ड्राफ्ट करेगी कमेटी, उसके चेयरमैन किसे बनाया गया? नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करेगी मिहिर शाह समिति, मिहिर शाह। सबसे कम मैचों में 100 विकेट लेने वाले इंडियन स्पिन बॉलर कौन बने? इन्होंने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। हरभजन सिंह ने 76 मैच लिए थे 100 विकेट लेने के लिए वनडे मैच में, और इन्होंने 100 विकेट्स ले लिए सिर्फ अपने 58 मैच में, 58 मैचेस में। इनका नाम है कुलदीप यादव। और इनका 100 विकेट कौन सा था? इन्होंने 100 विकेट लिया एलेक्स कैरी का, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं एलेक्स कैरी। 50वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग कहां पे हुआ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन है क्लॉस श्वाब, इनका हेडक्वार्टर है कॉलोनी जनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं मीटिंग हुई डावोस में, डावोस। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया गया? इस दिन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन स्टार्ट किया गया, जिसमें हम भारत के 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको पोलियो की दवाई पिलाएंगे, और ये 19 जनवरी को शुरू किया गया पल्स पोलियो अभियान। इस उपलक्ष्य में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया। पहली जो 2 बूंद पिलाई पोलियो की वो पिलाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट ये कौन से कंट्री में होगा इस साल? अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट इस साल होगा साउथ अफ्रीका में, और इस साल ICC T20 वर्ल्ड कप भी होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। भारत का कौन सा राज्य है जो गांधी पीठ की स्थापना करेगा अपने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, गांधी जी के नाम पे पिलर बनाएगा और गांधी पीठ की स्थापना करेगा? ये है मध्य प्रदेश। इनमें से जो ब्रिटेन है इंग्लैंड, उसका राज परिवार किसने छोड़ दिया? रॉयल फैमिली छोड़ दी है प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने, और एक प्रिंस और याद रखिए, प्रिंस विलियम। ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने प्राइज शुरू कराया अर्थ शॉट प्राइज, जो उसको दिया जाएगा जो क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए काम करेगा। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रेसिडेंट कौन बने? ये हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा। और झारखंड की 2 तीरंदाज याद रखिए, दीपिका कुमारी और कमल कबारी। वाइस चीफ कौन बने इंडियन आर्मी के? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ थे मनोज मुकुंद नरवाने, लेकिन अभी बन गए चीफ, तो ये पोजीशन वैकेंट हो गई थी, इसको भरा एसके सैनी ने, तो आंसर है एसके सैनी, ये बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ द आर्मी। जेड मॉल टनल कहां बनी है? जेड मॉल टनल जो है ये बनी है जम्मू कश्मीर में, और ये सोनमर्ग को जोड़ेगी, यानी सोनमर्ग को अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता था बहुत ज्यादा बर्फ की वजह से, पर जेड मॉल टनल सोनमर्ग को कनेक्ट करेगी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 19 जनवरी को? ये इनका 15वां फाउंडेशन डे था, 15वां स्थापना दिवस था, ये बनी थी 19 जनवरी 2006 को। पहली बार भारत में कौन सा राज्य है जो चुनाव में इस्तेमाल करेगा फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का, जिसे कोई भी फेक आइडेंटिटी देकर वोट न डाल सके? तो ये करेगा तेलंगाना। तेलंगाना में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, कौन से जिले में होंगे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव? ये होंगे मेडचल, इंग्लिश में लिख रहा हूँ MEDCHL, मेडचल मलकाजगिरी जिला, मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा फेशियल रिकॉग्निशन ऐप। एग्जीक्यूटिव कैपिटल आंध्र प्रदेश की कौन सा शहर होगा? आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, और अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुरनूल है जुडिशियल कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होंगी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया, उसमें हमारी क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 76, और नंबर 1 कंट्री जो इसमें है वो है डेनमार्क। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता? इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स को जीता थाईलैंड की बैडमिंटन खिलाड़ी रचा नॉक इंटानो। जेपी नड्डा नए प्रेसिडेंट बने बीजेपी के, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? इससे पहले अमित शाह थे, जेपी नड्डा हैं 11th प्रेसिडेंट, और ये हिमाचल प्रदेश के। सो ये था हमारा 300 बेस्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 जनवरी का। मिलते हैं फिर पार्ट 4 में, पार्ट 4 आएगा 31 जनवरी की शाम को। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।